हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल और पालक के बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े। ये एकदम क्रिस्पी होते हैं, जब आप इन्हें खाएंगे तो आपको इनका टेस्ट भूले से भी नहीं भूलेगा। तो चलिए, इनको बनाने की तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से ये इतने क्रिस्पी बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप मूंग की दाल को भिगो लिया था, और देखिए ये 3 घंटे बाद भीगने के बाद एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। फिर इसको हमने बिना पानी के पीस लिया था, ये देखिए। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और मोटा मोटा दरदरा ही पीसा है इसको। अगर आप इसका सॉफ्ट डो की तरह बना लेंगे तो ये करारे नहीं बनेंगे, इसलिए इसको दानेदार और मोटा ही रखें। अब इसमें हम मिक्स करेंगे इसके मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा जीरा, और हींग, थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, और अदरक डालेंगे हम इसमें। इसमें हम लहसुन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लहसुन प्याज का, तो इसमें हम अदरक डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च। और इसको आपने कम से कम थोड़ी देर तक ऐसे ही फेंटना है। और ये हमने पालक के पत्तों को धोकर अच्छी तरीके से बारीक काट लिया था। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपसे चम्मच से होता है तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ का यूज़ करें, क्योंकि हाथ से जो मिश्रण मिक्स अच्छी तरीके से हो जाता है वो किसी स्पून से नहीं हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब आप किसी को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो हाथ का इस्तेमाल करें। और ये देखिए, इस तरीके से हमने कम से कम 5 मिनट तक चलाना है इसको। इसमें हम किसी सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसके ये जो चलाने से फेंटने से इसमें फ्लफीपन आ जाएगा और एकदम करारे हो जाएंगे। अब हमने बर्तन में तेल लिया है, और तेल हमने तेज आंच कर लिया था, फिर उसके बाद आंच को मंदा कर दिया है। और अब हम इसमें पकोड़े बना रहे हैं, तो छोटी छोटी पकौड़ियाँ आप उतारेंगे। फ्रेंड्स, तेल का कम से कम इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो ये तेल बच जाता है वो यूज़ के लिए नहीं रहता है, और अगर आप यूज़ कर लेते हो तो वो आपके शरीर को नुकसान ही करता है। तो इस कोशिश कीजिए कि हम तेल का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमें ज़रूरी हो। अब जितने ही तेल में पकोड़े आ जाएंगे हम उतने पकोड़े उतार लेंगे। और पकोड़े उतारने के बाद इन्हें हल्का हल्का सा अलग कर लेंगे, कहीं तले में ना चिपक जाए। थोड़ी देर बाद हम इन्हें पलटेंगे। जरूरी नहीं है कि एक तरफ का अच्छी तरह सिक जाए, आप जब ही पलटें थोड़ी देर बाद ही इनको पलट लें। ये देखिए, सारे पकोड़े लगभग आधे सिक चुके हैं। तो अभी हम दूसरी तरफ से भी थोड़ी से सिकने देंगे, और फिर इनको चला चला कर हम करारे करेंगे। ऐसे एकदम निकालने नहीं है, लेकिन इनको चलाते रहेंगे और इनको करारे करेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे पकोड़े बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में दिए हुए बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। ये देखिए, अब ये एकदम करारे हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे।
थोड़ा सा डार्क ही तलना है इनको। लाइट अगर आप तलेंगे तो ये अंदर से बीच में से शायद कच्चे रह सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करिए थोड़ा सा डार्क कलर देने की। अगर आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगता है या कम तेल का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स में मैं कैसे तरीके से आपको रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये एकदम बन चुके हैं करारे। इसे आप चाय के साथ खाएं या सुबह नाश्ते में खाएं।